Good morning, all of you. My name is Ritesh Raut. Our subject name is Rural Development. Subject code is double two five zero five. We will see Unit Three: Rural Roads, Housing, and Energy. And our topic is three point five: Low-Cost Housing and Their Principle, Purpose, Use of Local Material for Construction. Our Vision and Mission of a Program. Vision is to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department is imparting the modern technical skills as per the requirement of the industry to improve employability, to develop social and environmental responsible civil engineers and effective implementation of teaching learning process to benefit students. Now, learning outcome. In learning outcome, there is a course outcome that is suggests the relevant government scheme for construction of roads, housing and energy conservation. And unit outcome is summarise the silent features of Pradhan Mantri Gram Sadak of Government of India. Program outcomes here PO are mapped is one basic discipline and knowledge. थ्री डिजाइन डेवलपमेंट एंड सोल्यूशंस फाइव इंजीनियरिंग प्रैक्टिस फॉर सोसाइटी सस्टेनेबिलिटी एंड एन्वॉर्मेंट एंड सेवन लाइफ लॉन्ग लर्निंग नाउ वी विल सी लो कॉस्ट हाउसिंग सो वॉट आर द की फीचर्स की फीचर्स आर इन एक्सपेंसिव टू बिल्ड लो कॉस्ट हाउसिंग क्या होता है जो सस्ते में कम कीमत में बन जाए ठीक है इन एक्सपेंसिव टू बिल्ड सेव मनी जो हमारे पैसे बचाए ठीक है टेक लेस टाइम कम समय में हम उसे बना सकें और उपयोग उपयोग में ला सके ठीक है दूसरा है चौथा पॉइंट है यूज़ इन्वॉर्मेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज जिससे जिस रिसोर्सेज से, से इन्वामेंट को पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लो कॉस्ट हाउसिंग बना सकते हैं ठीक है ऐसे घर जो इको फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं उनसे उनका यूज़ करके जैसे मर्ड हो गया ठीक है सॉइल हो गया उसके बाद में काउडंग हो गया इन इन सारे तरीकों के जिसका इन जो बायोडिग्रेडेबल है जिनका नुकसान नहीं है इन्वामेंट को ओके तो इन सारी चीज़ों से जो हम घर बनाते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग ऑफ कोर्स हम उसमें हमारे जो बेसिक मटेरियल से सीमेंट वगैरह ये यूज़ होगा पर ज़्यादा प्रमाण में अगर हम बात करें तो इनके साथ साथ हम अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट जिनका यूज़ बाक़ी चीज़ों में नहीं होता ऐसे चीज़ों को यूज़ करें जैसे फ्लाई ऐश भी हो गया फ़्लाई ऐश क्या होता है हल्का होता है उसका डिस्पोजल नहीं हो डिस्पोज़ नहीं कर सकते हम फ्लाई ऐश को ठीक है क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होता है तो ऐसे चीज़ों से यूज़ करते हुए हम ब्रिक लो वेट ब्रिक भी बना सकते हैं जिसका वज़न भी हल्का होता है और मजबूती भी ज़्यादा होती है ठीक है तो इस तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करके हम लो कॉस्ट हाउसिंग कर सकते हैं फाइनल प्रोडक्ट शुड बी अफोर्डेबल फॉर पीपल और जो हम घर बना के तैयार करेंगे वो एक तो मज़बूत भी होना चाहिए और अफोर्डेबल टू पीपल लोगों के लिए खरीदने लायक भी होना चाहिए उनके अफोर्डेबल भी होना चाहिए उनको कॉस्ट इफ़िशेंट भी होना चाहिए जैसे लो इनकम ग्रुप रहते हैं या मिडिल इनकम ग्रुप रहते हैं वो ले सके उस तरीके से हमको ये घर बनाने होते हैं जैसे आप यहाँ पर देख देख सकते हो एक फोटो में कैसे रो रो हाउस बनाया गया है ठीक है और वो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करके वो शीट्स यूज़ करके ये बनाया गया हुआ है ठीक है अभी कार्डबोर्ड हो गया पेपर या फिर वेस्ट मटेरियल उनको कंप्रेस करके शीट्स बनाई जाती है ठीक है प्लास्टिक हो गया या फिर अदर वेस्ट मटेरियल हो गया काउटंक हो गया ठीक है एज अ फाइबर हम यूज़ कर सकते हैं हस्क व्हीट हस्क राइस हस्क उन सबको मिला के कंप्रेस करके आजकल शीट्स बनाई जाती है वो लाइट वेट भी होती है पर साथ ही साथ मजबूत भी होती है जिससे कॉस्ट भी कम हो जाता है लाइफ टाइम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है और अफोर्डेबल भी नाउ प्रिंसिपल ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग बिल्डिंग ऑन द बेसिस प्रोवाइड सेफ एंड डिपेंडेबल शेल्टर पहला क्या है बिल्डिंग ऑन द बेसिस मतलब जिसमें हम क्या प्रोवाइड करेंगे सेफ एंड डिपेंडेबल शेल्टर जो ऐसा हम बनाएंगे घर कि जो सुरक्षित रहे और डिपेंडेबल रहे मतलब उस पर हम आसानी से कोई भी सीजन रहता है जैसे रेनी सीजन है या समर सीज़न है विंटर सीजन है उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना हो उसके बाद है चूज़ वॉक एबल साइट्स, जैसे मैक्सिमम मैक्सिमाइज प्लेसेस फॉर बाइकिंग रिटेल शॉप्स पेडेस्ट्रियन एक्सेट्रा मतलब आसपास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जैसे बाइकिंग के लिए साइकिलिंग के लिए प्रॉपर जगह रिटेल शॉप्स उसके बाद में पेडेस्ट्रियन के लिए भी जगह देनी चाहिए जो भी हम कॉलोनी सेटअप करेंगे जो भी हम घर बनाएंगे जैसे इंदिरा आवास योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना है उस योजना के तहत घर बनाए जाते हैं ठीक है थीके? तो उसमें एक चैलेंज होता है कि कम अच्छे इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करते हुए अगर हम घर बनाते हैं तो कॉस्ट में भी कम रहेगा जो कि अफोर्ड कर पाएंगे लोअर इनकम ग्रुप के लोग मिडल इनकम ग्रुप के लोग और मज़बूत भी होंगे ठीक है और तो उनको अच्छी सोसाइटी बना के देना ज़रूरी रहता है डिज़ाइन प्लेस ऑफ पीपल क्रिएट ड्यूरेबल मल्टी फंक्शनल स्पेसिस कॉस्ट इफ़ेक्टिव गार्डन्स कॉलोनी बनती है तो गार्डन भी बनाना चाहिए वहाँ पर आसपास में लोकेलिटी, मल्टी फंक्शनल स्पेसेस जैसे कोई स्पेस है सेम स्पेस हम एज अ गार्डन एज अ योगा सेंटर ओके प्ले ऐसे मल्टी फंक्शन यूज करके यूज़ करके हम बना सकते हैं कनेक्ट विथ द लैंडस्केप डिज़ाइन फॉर ब्यूटी रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन कम्युनिटी लाइफ प्रिजर्व ट्रीज एंड ट्रीज मतलब कैसे जो भी हम जैसे इंदिरा आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना इनके तहत कोई हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं तो हम सिर्फ उनको घर बना के नहीं देना है उनके लिए जो भी वहाँ पर रहेंगे पीपल नीडी पीपल जिनको ज़रूरत है लो इनकम ग्रुप है भले ही वो लो इनकम ग्रुप है लेकिन हम ऐसी सोसाइटी बना के देना अनिवार्य होता है कि वहाँ पर वो लोग लोगों के लिए अच्छी जगह हो आजू बाजू पेड़ पौधे लगे हुए हो या फिर हम खुद प्लांटेशन करने के लिए ज़मीन हो गार्डन्स हो ओके एंड आसपास में ग्राउंड्स हो और छोटे छोटे शॉप्स के लिए जगह हो बिल्ड हेल्थ होम्स मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट वेंटिलेशन और घर बनाते समय हमें ये बात का ध्यान रखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो पूरा पैक नहीं करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट का यूज हो सके सूरज सूर्य किरण का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सके एनर्जाइज द कम्युनिटी आज द रेसिडेंट्स दे वांट, और हम उनको भी पूछ सकते हैं जो ग्रुप के लोग यहाँ पे रहने आने, आ, आने वाले हैं जिनके लिए अलाउट होंगे उनको भी पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हो एक सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या अपडेट होना चाहिए पर्पज ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग

तो इसीलिए ही ये लो कॉस्ट हाउसिंग का कंसेप्ट आया है ताकि कम कीमत में मजबूत अच्छा मकान लो इनकम ग्रुप मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को मिल पाए विथ गुड सोसाइटी एंड फैसिलिटी इंडिया इज करेंटली फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ अबाउट 17.6 पॉइंट सिक्स मिलियन हाउसेस अभी इतने लोगों के लिए खुद का घर भी नहीं है अभी के आज के तारीख में तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी डेवलपिंग कंट्री है इसलिए हेंस इट बिकम अनेससरी टू अडॉप्ट कॉस्ट इफेक्टिव इनोवेटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली हाउसिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग जिस तरीके से स्टील की कीमत है सीमेंट एग्रीगेट इन सारे चीज़ों का बहुत कीमत होने के कारण एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव लो कॉस्ट हाउस बनाना या उसको ईजाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसी इन सारी चीज़ों से हम सीख के हमको ये बनाना है नाउ यूज ऑफ लोकल मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन वॉलिंग नो प्लास्टरिंग ऑफ द आउटसाइड फेस इज रिक्वायर्ड एंड वॉल में बी प्लास्टर्ड बाय मिक्सचर ऑफ काउडंग मुरूम एंड लाइम टू कीप इट कूल ड्यूरिंग समर अभी ऐसे हम यह भी यूज कर सकते हैं कि बिना प्लास्टर किए आउटसाइड फेस को वॉल के जरूरत नहीं होती है इनसाइड में कर दिए आउटसाइड में हम क्या करेंगे जो काउडंग होता है मिक्सचर ऑफ काउडंग मुरूम एंड लाइम इसका मिक्सचर करके वो अच्छा ड्यूरेबल भी होता है और रेनी सीजन या धूप हो गई इसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है तो इसका यूज़ करके हम प्लास्टर कर सकते हैं आउटर वॉल्स को जो कि गर्मी में भी इससे बहुत फ़ायदा होगा ठीक है कूल रहेगा Inner temperature, flooring it is generally made of terracotta tiles. Okay, normal dusre tiles lagane se better terracotta tiles lagayenge theek hai bedding is made of broken brick और जो bedding होती है उसको level करने के लिए उसको हम जो तूटी हुई ite होते हैं, ठीक है, ठीके? broken bricks उसके जो crush करके उसको हम leveling करने के लिए use कर सकते हैं. ताकि उसका फ्रूटफुल यूज़ हो सके पूरा यूज़ हो सके हॉलो कंक्रीट ब्लॉक्स रिसाइकल कंपोजिट ब्लॉक्स क्ले ब्रिक्स एक्सेट्रा और जैसे मैंने बताया था अगर हम फ्लाई ऐश का यूज़ करके ब्लॉक्स बनाते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके? उसके बाद रिसाइकल्ड कंपोजिट ब्लॉक्स कुछ मटेरियल होते हैं जिनको हम रिसाइकल करके उसके ब्लॉक्स बना सकते हैं एंड क्ले ब्रिक्स जो भी पर्टिकुलर जिस भी पोर्शन में हम इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग बना रहे हैं वो प्लेस के आसपास के जो गांव है वहाँ की जो मिट्टी लेके हम ब्रिक्स बना सकते हैं ओके नाउ समरी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियोस लेक्चर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड अबाउट लो कॉस्ट हाउसिंग प्रिंसिपल ऑफ लो कॉस्ट हाउसिंग purpose of low cost housing and use of local material for construction now this is assignment number 12 state the principle for low cost housing state the purpose of low cost housing enlist the low cost materials define low cost housing and state some example of low cost housing thank you